नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल जिले के खादर क्षेत्र के गांव सलोड़ा में 3,94,84,000 रुपए की लागत से बनने वाली दो सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया, जिसमें लगभग 2,27,18,000 रुपए की लागत से गांव सलोड़ा से करोल तक की सड़कें तथा सलोड़ा से जेवरा लगभग 1,67,65,000 रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क शामिल है। राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि उक्त सड़कों को बनाने से आसपास के कई गांवों के लोगों का आवागमन सुगम व सरल होगा। उन्होंने कहा कि पलवल क्षेत्र के यमुना पार गांव के लिए 66 KV बिजली के सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। पलवल क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक इलाज करवाने की सुविधा दी जा रही है। पलवल के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सड़कों की चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाया जा रहा है। बहुत अरसे से इस सड़कों की मांग थी और ये दोनों सड़कें उत्तर प्रदेश से हमारे इस इलाके को जोड़ने वाली हैं और अगले 6 महीने में इन सड़कों का काम बनकर पूरा हो जाएगा और यहाँ से हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश से आवागमन में और एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने में बहुत सुविधा इससे होने वाली है और हजारों लोगों को इसका फायदा होने वाला है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।